परसा प्रखंड क्षेत्र के उच्च विद्यालय बाजितपुर में रविवार को आयोजित शिक्षक एवं विद्यालय प्रधान का 5 दिवसीय गैर आवासीय चयक प्रशिक्षण का समापन हो गया। इस दौरान सभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को बीओ युगल किशोर प्रसाद व शिक्षक संघ अध्यक्ष उमेश राय ने संयुक्त रूप से फूलमाला व प्रस्तुति देकर विदाई की। बीओ युगल किशोर प्रसाद ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए राज्यव्यापी कार्यक्रम चहक का आयोजन जिले के सभी प्रखंड में किया जा रहा है। शिक्षक संघ अध्यक्ष उमेश राय ने बताया कि परसा प्रखंड क्षेत्र के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में नैनीहालों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में दक्ष बनाने के लिए 3 महीने का मॉड्यूल चहक बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करने में अत्यंत उपयोगी साबित होगा। का नाम था चहक, इसमें बच्चों को शब्द ज्ञान और संख्या ज्ञान पर बल दिया गया है। बच्चों को छोटा बड़ा पतला मोटा ऐसे गतिविधियां करा करके बहुत सारे गतिविधियां कराई गई हैं जो विद्यालय में बच्चों के बीच रोचक रहेगा। और हमारे जितने भी मेंटर्स थे, ट्रेनर थे और प्रशिक्षु थे, बड़ा लगन के साथ इसको प्रशिक्षण दिए हैं और प्राप्त किए हैं। यह विद्यालय में बहुत ही अच्छा ढंग से उतरेगा, यह मेरा विश्वास है। जुगल किशोर, बीओ परसा। यहाँ पर चहक प्रोग्राम केंद्र सरकार द्वारा और बिहार सरकार द्वारा चलाया गया। विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में, वे वंचित बच्चे होते हैं। वो वंचित बच्चे होते हैं कि जब स्कूल से जाता है वो बच्चा, तो घर में काम करना पड़ता है उसको, माँ को सहयोग करने पड़ती है बच्ची को, बच्चा को भी घर में माल खिलाना पड़ता है, सुबह भी काम करके तब विद्यालय वो बच्चा जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा यह चलाया गया योजना चहक है कि बच्चा को वहाँ स्कूल में ठहरा हो और जो यहाँ से शिक्षक प्रशिक्षण ले नृत्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से बच्चा को ट्रेनिंग दे, जिससे बच्चा खुश रहे